नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे। मैं हूं आपके साथ हिंदू। आई रूबरू होंगे हाड़ौती के ताजा हाल से। कलेक्ट्रेट के पास दो बाइक टकराई। महिला ने की युवक की चप्पल से धुनाई। पुलिस चौकी नजदीक होने के बाद भी मूक दर्शक बनी पुलिस। किसी ने नहीं किया युवक को बचाने का प्रयास। बूंदी में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभा को किया संबोधित। कांग्रेस प्रत्याशी अशोक चांदना के समर्थन में मांगे वोट। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह झालावाड़ दौरे पर। वसुंधरा राजे के समर्थन में किया जनसभा को संबोधित। खिलखिल में एक 3 वर्षीय बालिका की जलने से मौत। रेलवे कॉलोनी थाना इलाके का है मामला। चुनाव प्रचार के दौरान दो पक्षों के कार्यकर्ताओं में झड़प। दोनों पक्षों के कार्यकर्ता घायल। छबड़ा विधानसभा क्षेत्र के हरनावदा जागीर की घटना। और अब समाचार विस्तार से। कोटा कलेक्ट्रेट चौराहे के पास उस समय जोरदार ड्रामा देखने को मिला जब दो बाइक आपस में टकरा गई। इस पर बाइक पर सवार पति पत्नी ने युवक की चप्पलों से जोरदार धुनाई कर दी। अचानक हुई इस घटनाक्रम के बाद वहां लोगों की खासी भीड़ जमा हो गई। लोग युवक को बचाने के बजाय मारपीट की इस घटना का कैमरे में वीडियो कैद करने लगे। इस पूरे मामले में खास बात यह रही कि कलेक्ट्री चौकी नजदीक होने के बाद भी पुलिसकर्मी इस पूरे मामले को देखते रहे। युवक महिला से बचने का प्रयास करता रहा, लेकिन वहां मौजूद भीड़ ने युवक को बचाने का प्रयास नहीं किया। और आप देख सकते हैं इस वीडियो में महिला लगातार उस युवक पर चप्पलों से हमला कर रही है। बाद में पुलिस चौकी की पुलिस सभी को चौकी ले आई और समझाइश कर दोनों को रवाना कर दिया। राजस्थान में कांग्रेस के पक्ष में लहर है और जनता कांग्रेस को सत्ता में लाने का मन बना चुकी है। सोमवार को ग्राम गोटरा में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी अशोक चांदना के समर्थन में वोट मांगे। गहलोत ने कहा है, अब ज्यादा से ज्यादा मतों से अशोक चांदना को जिताकर विधानसभा में भेजे। कांग्रेस ने खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम लागू कर घर घर में गेहूं पहुंचाया था जब राजस्थान में हमारी सरकार थी। दिल्ली में वाजपेयी की सरकार थी, तब अकाल था, लेकिन तब भी मैंने गरीब के घर में गेहूं पहुंचाया था। मेरे मुख्यमंत्री के कार्यकाल में एक भी आदमी को भूखा नहीं सोने दिया था, लेकिन पता नहीं वसुंधरा जी के दिमाग में क्या है, वो अब मुझे पता करना पड़ेगा। गहलोत ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि गौरव यात्रा बीजेपी ने निकाली, लेकिन 5 साल में कोई कार्य नहीं किया है। जो विकसित राष्ट्र है, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, वहाँ मिलता इस प्रकार से, वहाँ 70 पैसा मिलता है बुजुर्गों को, बेरोजगारों को मिलता है। इसको कहते हैं सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा। ये सरकार का दायित्व है, जो इस जमीन पर पैदा हो गया, बड़ा हुआ है, उसको जिंदा रखना। केंद्रीय गृह मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह झालावाड़ जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने झालावाड़ जिले के झालरापाटन के एसटीसी स्कूल मैदान में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थन में एक जनसभा को भी संबोधित किया। वे पिछले 5 वर्ष के दौरान राजस्थान में भाजपा सरकार द्वारा करवाए गए विकास कार्यों के आधार पर आम जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान कर भारी मतों से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को आगामी विधानसभा चुनावों में विजयी बनाने की अपील की। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का मंच पर झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह व भाजपा पदाधिकारियों ने माला पहनाकर व राजस्थानी साफा बांधकर स्वागत किया। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा है कि राजस्थान सहित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार बनने जा रही है। तो वहीं उन्होंने कहा है, झालरापाटन से भाजपा की प्रत्याशी व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ही आने वाली सरकार की मुख्यमंत्री बनेगी। खेल में एक 3 वर्षीय बालिका की जलने से मौत हो गई। मामला रेलवे कॉलोनी थाना इलाके का है, जहां की जगदम्बा कॉलोनी में 3 वर्षीय बालिका अपनी बड़ी बहन के साथ खेल रही थी। इसी दौरान बड़ी बहन ने घर के बाहर पन्निया आदि इकट्ठी करके उनमें आग लगा दी। इसी दौरान बालिका जलती हुई आग के पास पहुंच गई। आग उसके कपड़ों में जा लगी और बालिका झुलस गई। बालिका को झुलसी हुई अवस्था में एमएस अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ बालिका ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। बालिका के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। बच्ची जो थी, जो कहीं तो मस्जिद पड़ गई, नहर के किनारे पे थी, दो बच्ची, दो बहने, बहन छोटी, जो कचरे में आग लगा ली, वो कचरे में आग लगा, घघरी में लग गई, घघरी में लग गई, तो
जल की जो पड़ोसी ने देखकर भगा, जो उसने कपड़े उतार के फेंके, हाथ पास एम्बुलेंस में भर्ती करा दी आज सुबह। दे तो घर वाले बता रहे हैं कि कोई ऐसा शक सुबह नहीं, किसी प्रसंग से नहीं, आग से जलने के कारण बेड नंबर 6 पे भर्ती कराया था। तो दिनांक 4/12/18 को सुबह के टाइम दौरान इलाज मृत्यु हो गई थी, जिसकी अभी बाकी पिछले साल। बारा में जिले के छबड़ा विधानसभा क्षेत्र के हरनावदा जागीर गांव में चुनावी जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह राठौर और निर्दलीय प्रत्याशी वीरभद्र सिंह के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए और इसी दौरान आपस में भिड़े कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर पथराव किया, जिससे दोनों पक्षों के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को काबू में किया और उसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी वीरभद्र सिंह ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आकर छिपाबड़ो थाने का घेराव करते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करा उचित कार्यवाही करने की मांग की है। एडीएम सिटी खोट ने अनूठा नवाचार करते हुए शांति भंग के 321 मामलों का एक ही दिन में निस्तारण किया है। एडीएम सिटी पंकज ओझा ने बताया है कि सीआरपीसी की जो अलग अलग चार धाराओं में कई मामले लंबित थे, करीब साल भर पुराने शांति भंग व अपराध के 107, 110, 116 व धारा 151 में लंबित मामलों का निस्तारण किया गया है। एक दिन 321 मामलों के निस्तारण करने के रिकॉर्ड को संभवतया यह देश व प्रदेश का पहला मामला है। पंकज ओझा ने बताया है कि इसकी जानकारी वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम को दी गई है। जल्द ही वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम कोटा आकर एडीएम सिटी कोर्ट को सर्टिफिकेट प्रदान करेगी और एक दिन में 321 मामलों के निस्तारण को वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करेंगी। एक दर्दनाक सड़क हादसे में ऑटो चालक की मौत हो गई। चालक कुन्हाड़ी के करनी नगर का रहने वाला था, जो सुबह सवारी छोड़कर पत्थर मंडी रामनगर से अपने घर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान अनियंत्रित होकर ऑटो पलट गया। ऑटो में सवार चालक सुरेश घायल हो गया, जिसमें राहगीरों की मदद से उसे MBS अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान चालक की मौत हो गई। सूचना पर कुन्हाड़ी पुलिस MBS अस्पताल पहुंची और परिजन को अस्पताल बुलवाकर शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। परिजनों को शव सौंप दिया गया है। मृतक घर में अकेला कमाने वाला था। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सुरेश कुमार सुनो राम गोपाल केवट था, जो बड़गांव से ऑटो लेकर बाईपास वाला रोड से आ रहा था, तो नानता के पास में उसका ऑटो एकदम जानवर आने से बचाने के लिए पलटी खाया, उसकी डेड हो गई। कुन्हाड़ी के थर्मल मैदान में मिले महिला के शव की पहचान हजीरा बस्ती की किरण के रूप में हुई है। महिला के पति और बहन ने शव की पहचान की है और पत्नी की हत्या किए जाने की आशंका जताई है। पति का आरोप है कि वह 2 दिन पहले ही घर से अपनी बहन के यहाँ गई हुई थी, जिसे वो टेम्पो में बिठा कर गया था। टेम्पो चालक उसे कई दिनों से परेशान कर रहा था और उसी ने रेप के बाद उसका मर्डर किया है। पुलिस ने पति के आरोप के आधार पर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं इससे पहले शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सपोर्ट किया है। गौरतलब है कि महिला का शव शत विक्षिप्त हालत में मिला था, जिसको सुअरों ने बुरी तरह से नोच रखा था। किस रूप में हुई है मृतक के सिनाज? अरे जैसे मतलब इनको ले जाया गया है, तो इन पे किसी पे शक है हमें कि वो ले जा सकते हैं, उनके साथ गलत किया है। दारू की शराब की बोतल भी मिली है उनके पास, तो जहाँ ये कबाड़ा बिनने जाते थे उन पे शक बताया जा रहा है। तो मेरे चाचू है, ये कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ करा है उनके साथ, तो के अब वो आप कार्रवाई करें, आपके जो मतलब कार्रवाई पुलिस वालों से भी हमारा यही कहना है कि कार्रवाई हो जाए हमारी तरफ से। हम गरीब लोग हैं, हम तो कबाड़ा बाड़ा मिलते हैं। उसका मामला नहीं, डेड बॉडी मिली थी, पोस्टमार्टम कराया, उसके बाद ही डिसीजन होगा क्या है क्या नहीं। किस नाम से शिनाख्त हुई? कोई शिनाख्त हुई? किरण नाम से शिनाख्त हुई है, किरण वाइफ ऑफ लीलाधर। परिजनों ने कुछ आरोप लगाया? मेरे पास अभी कोई है नहीं, अब देखेंगे उसमें क्या होता है अभी जांच में। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी क्षेत्र के नारायणपुरा टटवाड़ा गांव के नजदीक दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन पर 35 वर्षीय महिला एवं एक 8 वर्षीय बालिका का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के साथ ही गंगापुर सिटी सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर गंगापुर सिटी सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। शव की शिनाख्त पिलोदा निवासी मीना देवी व उसकी बेटी निशा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार दोनों माँ बेटी 3 दिन से घर से लापता थी। मृतिका के पीहर पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए ससुराल वालों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया है। रेलवे से स्टेशन मास्टर नमो नारायण मीणा ने सूचना दी थी
जी ग्रुप वाले मिले थे, उन्होंने बताया था नवनारायण मीणा स्टेशन मास्टर को कि भाई दौराने गश्त ट्रैक पर गश्त कर रहे थे तो ये चीज़ें बॉडी मिली थी, तो उन्होंने सूचना दी, हम उस मौके पहुँच गए, उसकी जानकारी दी गई, तो वो वहीं के रहने पाए। अभी मृतका के पिता ने तैयार दिए है, दहेज की खातर मेरी बच्ची और नमासी को मार के डाल दिया ट्रैक पर, इसमें प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही। मतदान में 3 दिन का समय बचा है, ऐसे में अब राजनीतिक दल अपनी जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। पीसीसी महामंत्री पंकज मेहता ने कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर मतदान के दिन बूथ पर जुटने का आह्वान किया। मेहता ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि कार्यकर्ता मतदाता पर्चियां लोगों तक पहुंचाएं, साथ ही कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील लोगों से करें और पूरी मेहनत के साथ बूथ पर एक्टिव रहें, जिससे कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया जा सके और कांग्रेस को जीत दिलाई जा सके। ईवीएम को लेकर लंबे समय से आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं और देश के अनेक राजनीतिक दलों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से कई बार ये निवेदन और मांग की है कि निर्वाचन के समय ईवीएम के जगह बैलेट का उपयोग किया जाए, लेकिन अभी ईवीएम का ही उपयोग किया जा रहा है और मध्य प्रदेश में जिस तरह की समस्या आई है उस समस्या को देखते हुए हमने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम किया है ताकि कार्यकर्ता सजग होकर इनकी गड़बड़ियों को दूर। विधानसभा चुनाव के कुछ दिन बचे हैं, ऐसे में प्रचार जोर पकड़ रहा है। इसी कड़ी में कोटा उत्तर से कांग्रेस उम्मीदवार पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ माला फाटक से जनसंपर्क किया। धारीवाल का काफिला महात्मा चनकपुरी, आदर्श कॉलोनी, हाउसिंग सोसाइटी, इंदिरा कॉलोनी, गुरुद्वारा, मस्जिद, गली, रामपुरा, रंगपुर थाने क्षेत्र में जनसंपर्क किया। धारीवाल का कांग्रेस कार्यकर्ताओं व समर्थकों के साथ जनसंपर्क शुरू किया। इस दौरान धारीवाल का कई जगह पर भव्य स्वागत किया। धारीवाल ने घर घर जाकर मतदाताओं से कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील की। तो सब आपके बस्ती में सड़कें, नाली, पटान, पानी की पाइपलाइन वगैरह वगैरह, हैंडपंप वगैरह सब ट्यूब का इंतजाम किया गया था, सिर्फ एक पट्टे नहीं मिले। पट्टे नहीं मिलने का कारण आप जानते ही हैं अच्छी तरह से कि रेलवे की जमीन है। रेलवे की जमीन के वजह से कोई भी पट्टे नहीं दे सकता था। अब ये कोशिश हो रही है कि रेलवे से ले ली जावे और ले करके जो है यूआईटी के नाम अगर ये जमीन चढ़ जाती है तो आप लोगों को सबको पट्टे दिए जावे। रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रामगोपाल बैरवा की पत्नी उनके समर्थन में घर घर जाकर जनसंपर्क साध रही है, साथ ही लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रही है। लोकतंत्र के उत्सव पर रंग जमाने लगा है और मतदान तिथि के नजदीक आते ही प्रचार पूरे परवान पर है। कल शाम 5 बजे ये प्रचार थम जाएगा, ऐसे में पार्टियों ने विधानसभा क्षेत्रों से बूथ लेवल पॉलिटिक्स पर जोर देना शुरू कर दिया है। इसके लिए पदाधिकारियों द्वारा बूथ लेवल पर बैठकें आयोजित करने के साथ इलाके में प्रभावशाली कार्यकर्ताओं को घर घर दस्तक देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो मतदान की पर्ची वितरण के साथ पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इसके लिए दोनों ही पार्टियों ने वार्ड स्तर पर अलग अलग टीमों का गठन किया है और पदाधिकारियों को इसकी कमान सौंपी गई है। पर्ची के माध्यम से कार्यकर्ता मतदाताओं से सीधा संवाद करके ये प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव प्रचार के अंतिम दौर पर वह जनता के दिलों में अपने व्यवहार से जगह बना सके। हालांकि पार्टी प्रत्याशियों के अलावा पर्चियों का वितरण जिला प्रशासन द्वारा भी किया गया है, जिसमें मतदाता की पूरी जानकारी के साथ मतदान केंद्र के नक्शों को भी बनाया गया है ताकि मतदाता को कोई परेशानी ना हो। कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का मानना है कि मतदान के अंतिम दौर में बूथ लेवल मैनेजमेंट फार्मूला कारगर साबित होगा और मतदाता पूरे जोश के साथ निर्भय होकर मतदान कर सकेंगे। प्रचार समझाएगा। पिछले 15 दिनों से व्यापक स्तर पर प्रचार चल रहा था, पहले भी हमारा जनसंपर्क एक एक घर तक हो चुका था, लेकिन जैसा कहा जाता है कि अंतिम समय पर जो पार्टी अपने एक एक कार्यकर्ता तक पहुंच जाए उसका परिणाम अच्छा होता है। तो आज हम वार्ड नंबर 43 में सारे बूथों पर जाएंगे, एक एक बूथ पर एक एक व्यक्ति से मिलेंगे। हमारे जो मतदाता हैं वो तो हमारे हैं ही सही, बाकी जो मतदाता हैं उनसे भी हम आग्रह कर रहे हैं कि राष्ट्रवादी विचारधारा वाली पार्टी को जिताएं और इसलिए पूरी टीम अंची भैया, अशोक भैया वगैरह सारे अपने अपने स्तर पर पर्चे बंटने का काम अलग चल रहा है और लास्ट स्तर पर एक एक बूथ एक एक घर पे जाकर प्रत्येक मतदाता को जागरूक कर रहे हैं कि सुबह 10-11 बजे के पहले अपना 100% मतदान
अपने अपने बूथ क्रमांक पे हो जाए। सभी को याद ही है हर 5 साल में जब भी चुनाव होता है तो कांग्रेस कार्यकर्ता प्रत्येक घरों में जाता है पर्ची बांटने, और आम आदमी से ये विनम्र आग्रह करता है, हमारे जैसे प्रत्याशी आदरणीय श्री शांति कुमार धारीवाल साहब, उनके लिए हम वोट मांग के उनसे विनम्र आग्रह करें कि इस बार आप उनको धारीवाल साहब को जिताओ। ये पर्ची वितरण से जो चल रहा है, इससे कितना फायदा मिलेगा पार्टी भाई? पर्ची वितरण से क्या है कि हमारा घर पे एक मतदाता से संपर्क होता है। पर्ची वितरण से एक तो क्या है, हम इस क्षेत्र के ही तो जैसे घर पे जाते हैं उनसे लगाव हमारा होता है पर्ची के माध्यम से भी, और उनका जो प्यार सम्मान हमारे को वोट के माध्यम से मिलता है। और आप सबको याद ही है कि जितना भी हमारा कार्यकर्ता है उत्तर का, सब घरों में इस वक्त कोई 2-3 दिन बचे हैं मात्र चुनाव में, तो 7 तारीख को पर्ची से हमारी जो पर्ची है उससे अगर वोट डालने जाएगा तो उसको 3 चीज़ें ले जाने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे सरकारी पर्ची भी बट रही है, लेकिन ये घर घर जाने पर क्योंकि बहुत सारे कहते हैं कि पर्ची नहीं आई, तो हमारे धारीवाल साहब ने कहा आप प्रत्येक घरों में जाना और उनसे अपील करना कि कांग्रेस पार्टी को वोट दें और राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। विधानसभा चुनावों की तारीख नजदीक आने के साथ ही चुनावी मैदान में खड़े प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में पूरी ताकत झोंक दी है। आज जहां भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों द्वारा दर्जनों गांवों का दौरा कर जनसंपर्क किया गया, वहीं बसपा प्रत्याशी हंसराज मीणा द्वारा भी जो है दर्जनों गांवों का दौरा कर जनसंपर्क किया गया और लोगों से अपने समर्थन में वोट करने की अपील की। इस दौरान बसपा प्रत्याशी का जगह जगह स्वागत किया गया। केशवरायपाटन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राकेश बोयत ने मंगलवार को कारपुरेन और केशवरायपाटन नगरपालिका क्षेत्र में जनसंपर्क कर मतदान करने की अपील की। इस अवसर पर बोयत ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनी तो खेत खलियान हरे भरे और किसान जो है खुशहाल होंगे, युवाओं को भत्ता दिया जाएगा, साथ ही बेरोजगारों को अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। जैन धर्म के विख्यात जैन मुनि आचार्य सुखमाल नंदी इन दिनों श्री दिगंबर जैन मंदिर सीमेंट फैक्ट्री सवाई माधोपुर में अपने प्रवास के दौरान विभिन्न तरह के कार्यक्रमों में सामाजिक सरोकार के तहत आध्यात्म से जुड़ने के साथ साथ सामाजिक सरोकार को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। आचार्य सुखमाल नंदी का कहना है कि मानव सेवा ही इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने आज श्री दिगंबर जैन मंदिर में दिव्यांग बालक बालिकाओं के साथ एक बाल मुनहार एवं दिव्यांग सहयोग का कार्यक्रम आयोजित करवाया। कार्यक्रम के तहत सभी बच्चों को लगभग 1 घंटे तक आचार्य मुनि ने उनकी विभिन्न तरह के दिव्यांगताओं को जो है कुदरत का करिश्मा बताया। उन्होंने कहा है कि दिव्यांगजनों में कमियां ही नहीं होती हैं बल्कि उनमें खूब सारी खूबियां होती हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए कई नेताओं के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर बेगो विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र सिंह भिदूड़ी का वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट और दिग्गज नेता अशोक गहलोत को पॉकेट में रखने की बात रखते हैं। उनको टिकट इन नेताओं ने नहीं दिया, मुझे राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने टिकट दिया है। उन्होंने वीडियो में ये भी कहा है कि उन्हें एक दिन का मुख्यमंत्री बना दो, मुझसे सभी नेता डरते हैं, ऐसे नेताओं को मैं पॉकेट में रखता हूँ। उनका ये वीडियो रावतभाटा के वार्ड नंबर 14 में दिए गए भाषण में है, जो कि हर किसी की जुबान पर चर्चा का विषय बना हुआ है। संजय गांधी के साथ से नेतागिरी करता है, टीवी देखते हो? मैं राहुल गांधी के पूरे परिवार से जुड़ा हूँ, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने मुझे टिकट दिया है, ऐसे नेता तो पॉकेट में रखता हूँ। जुड़ो वोट दे देना, नेता नहीं हूँ। आपने नायक पिक्चर देखी है? यानी एक दिन का मैं हो सकता है एक दिन का मुख्यमंत्री मुझे बना दो, मैं राजस्थान में 100 लड़कों को नौकरी लगवा दूँ। बूंदी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी अशोक डोकरा ने मंगलवार को जनसंपर्क की शुरुआत परशुराम वाटिका और भाव भट्ट अखाड़े में दर्शन कर की। डोकरा को वाहन रैली के रूप में सैकड़ों कार्यकर्ता हाथों में भाजपा का झंडा लिए भाजपा जिंदाबाद, अशोक डोकरा जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कार्यक्रम स्थल तक लाए। डोकरा ने अपने संबोधन में कहा है कि अब समय आ गया है नया इतिहास रचने का और आने वाले समय में बूंदी जिला राजस्थान की अग्रिम पंक्ति में शामिल होगा, केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी।
केशवराय पाटन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी चंद्रकांत मेघवाल ने मंगलवार को गांवों में पैदल पैदल घूमकर भाजपा को वोट देने की अपील की। भाजपा प्रत्याशी का गांवों में पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा फूलमालाओं से स्वागत किया गया। महिलाओं ने चुनरी उठाकर बहन बेटी की तरह भाजपा प्रत्याशी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए चंद्रकांता मेघवाल ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं की भावनाओं की भी कदर नहीं करती, वह जनता की भावनाओं को क्या समझेगी। भाजपा पार्टी सबकी भावनाओं को समझकर विकास के नए आयाम स्थापित करती जा रही है। बूंदी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी हरिमोहन शर्मा ने आज अपने समर्थकों व बैंड बाजों के साथ शहर में रैली निकालकर लोगों से कांग्रेस के समर्थन में 7 सितंबर को वोट देकर विजय बनाने की अपील की। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई कांग्रेस प्रत्याशी के कार्यालय जाकर संपन्न हुई। तो ये थे अब तक के हलचलें। जाने से पहले एक बार फिर से रूबरू होंगे हाड़ौती के ताजा हाल से। कलेक्ट्रेट के पास दो बाइक टकराई, महिला ने की युवक की चप्पल से धुनाई। पुलिस चौकी नजदीक होने के बाद भी मूक दर्शक बनी पुलिस, किसी ने नहीं किया युवक को बचाने का प्रयास। बूंदी में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभा को किया संबोधित, कांग्रेस प्रत्याशी अशोक चांदना के समर्थन में मांगे वोट। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह झालावाड़ दौरे पर, वसुंधरा राजे के समर्थन में किया जनसभा को संबोधित। खिलखिल में एक 3 वर्षीय बालिका की जलने से मौत, रेलवे कॉलोनी थाना इलाके का है मामला। चुनाव प्रचार के दौरान दो पक्षों के कार्यकर्ताओं में झड़प, दोनों पक्षों के कार्यकर्ता घायल, छबड़ा विधानसभा क्षेत्र के हरनावदास जागीर की घटना। तो आप दीजिए इंदु को इजाजत, एसटीएन टुडे टीम की ओर से नमस्कार।